देखिए आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। देखिए ये कोई तरीका है, मुर्तजा फिलहाल नहीं हो, रोड बंद किया हुआ है क्योंकि तुम लोग पीपल्स पार्टी के हो। ना ना अफवान सर, बेरोजगार बेरोजगार नहीं, जो बेरोजगार है बात सुनो, जो बेरोजगार है वो शासित में साले, अगर वो उसका किस्मत लग गया तो वजीर बनेगा, नहीं तो वो फकीर बनेगा। के बाद इंडिया के अंदर ये ख्वाहिश बाकी रहेगी। नारे तकबीर, कैद कदम बढ़ाओ। असल में ये भी है कि हम सियासतदान समझते हैं लोग बेवकूफ हैं, मेरा ख्याल है हम बेवकूफ हैं। लोग हमें अपना रहबर, अपना निजात दहिंदा, अपने मसाइल से निजात दिलाने वाला, अपने मसले हल करने वाला जाके भेजते हैं अंदर। हमारे अपने मसले इतने हैं कि हमसे वो ही नहीं हल होते। जब आपने कह दिया 30 दिन, तो फिर तो जाहिर है उल्टी गिनती तो फिर लोगों ने शुरू की ना कि अभी ये घड़ी आएगी, क्योंकि जी ऐलान कर दिया कायदीन ने, तो उल्टी गिनती तो इस वजह से शुरू। मैंने हदीस नहीं लिखी, कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं और उनको फिर हामिद खान ने कहा कि 11 दफा पेश हो सकते हैं, तो डर किस चीज का? पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि हजरत उमर के जमाने में आईन नहीं था, ठीक है, पांच शरीफ जरूर था लेकिन आईन नहीं था, तो लिहाजा वो जितनी दफा आए और बुलाएं उसका आप मिसाल ना दें। Was also brought out the imperative requirement of harnessing the potential of renewable idol. ने ऐसी हवाई फायर कर रहे हैं, ऐसी नॉनसेंस डिस्कशन कर रहे हैं, और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं अपनी टाइयां और मैं अपने सूट जो है वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू कोई चर्चिल है? तू कोई बर्टन रसल है? तू कोई डोनाल्ड रॉबर्ट है? तू है क्या भाई? तू अपना 35 करोड़ रुपया जो तेरी बेगम ने माफ करवाया जरी तरक्याती बैंक से, वो किसानों को दे दे। बाईसवें ग्रेड के अफसर रिटायर हुए, 30 करोड़ रुपए का घर खरीदा उन्होंने, कौन पूछेगा उनसे पैसे कहां से? देखें ये आ गए ना, पूछे, देखे ना ये आए हैं, देखे ना, पूछ वही सकता है जिसका अपना दामन साफ हो। देखें पूछ वही सकता है जिसमें इतनी अंदर उसके इतनी सच्चाई हो कि वो पूछे कि भाई कि ये माल किधर से आया है। जिस हमाम में नंगे हो सारे लोग, उसमें कौन एक दूसरे की पर्दापोशी करते हैं? तो कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं। जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आएंगे जिनकी छतें टपकती हैं इस मुल्क में। यानी आम आदमी से बात करो, उसको पता है कि भाई ये फेल हो रहे हैं। देखो जी खेतों में खाद नहीं है, बैंकों में पैसा नहीं है, मैं आपको फोन देता हूं, आप पिज़्ज़े का फोन करें पिज़्ज़े वाले को, पिज़्ज़ा पहले आएगा, पुलिस वाले और एम्बुलेंस बाद में आएगी। काशी साहब देखें, इनकी ये जो दो बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब जो इस वक्त फने खान किस्म के लीडर हैं, ना इनकी औलाद पाकिस्तान में, ना इनकी जायदाद पाकिस्तान में, ना इनका पैसा पाकिस्तान में, राइट, इनके महल आम आदमी से पूछो कहां कहां हैं। और ये हम कौम को झूठ बताते हैं, झूठा आदमी कौम को तिनके भी नहीं दे सकता, मकान की दूर की बात है।